श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। मानस प्रदर्शनी अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। इंस्ट्रक्शन सामने है, 50 आदमी से ज़्यादा एक बार में अंदर नहीं जा सकते, कोविड के चेतावनी को ध्यान रखना है। और ये अब हम आगे फर्स्ट फ्लोर पे, पहली मंजिल। संपूर्ण रामायण को इसमें लगाया गया है, मतलब दीवारों में लिखा गया था, छंद और दोहा, स्कंदा कांड, बाल कांड, सारे यहाँ पे। ये देखिए स्कंदा कांड ये चल रहा है, यहाँ पे संपूर्ण रामायण आप देख पाएंगे। सीता स्वयंवर कोप क्या है, कोप भवन है, ताड़का मोक्ष है। इसमें सारी की सारी मूर्ति में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट है, देखिए ध्यान से, ठीक है। और ये केवट के भाग्य हैं, आगे चलते हैं। आगे ये हैं जटायु मोक्ष, देखिए ये बहुत ही सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है। बनारस आप लोग आइए तो इन सब को जरूर देख के जाइए, क्योंकि ये ऐसी यादें हैं जो आपके साथ हमेशा बरकरार रहेंगी। देखिए ये देखिए
यह है बकासुर का वध और ये है मत बावरी मीरा, मीरा नृत्य करते हुए। जब वध किया था भगवान कृष्ण ने, ये उसकी प्रतिलिपि है। देखिए ये है दही मंथन और ये है रामराज, रामराज में जिससे सब खुशहाल हैं और इसमें सारी की सारी कठपुतलियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ सब मोमेंट में हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सब आपको इसमें मोमेंट करते दिखेंगी। देखिए ये रामराज की असली छाया है जो किसी समय में हुआ करती थी। देखिए महेश्वर संवाद, ये देखिए ये सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और ये लॉर्ड शिवा या भगवान शंकर की, देखिए कई तस्वीरें लगी हुई हैं और ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना है। मैं कहूँगा आप एक बार जब भी बनारस आएँ इन मंदिरों को देखें जरूर। ये मंदिर अगर आप दर्शन नहीं करना चाहते तो घूमने आए, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे आने के। और अब हम चलेंगे नीचे की ओर और मंदिर के बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। मंदिर के बाहर क्या है वो चीज़ें दिखाएंगे। और सच कहूँ तो इस मंदिर को जब मैंने बाहर से देखा तो लगा कि यार मंदिर तो बहुत छोटा है, क्या होगा इसमें, लेकिन जब अंदर आके देखा ना मज़ा आ गया बिल्कुल। अब हम मंदिर के बाहर हैं, बाहर का नज़ारा आप देखिए। मंदिर के बाहर बच्चे खेलते हैं, बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है। और ये फाउंटेन, फाउंटेन बना हुआ है, छोटा सा फाउंटेन है। बाहर से मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये मैं आपको इसको बीच में जाके दिखाऊंगा। ये मंदिर के बाहर का हिस्सा है, कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर देखने में बाहर से, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं आप सबसे कहूँगा कि जब भी आए यहाँ तो यहाँ ज़रूर आए। तो अगर आप ऑटो बस या फिर ई रिक्शा या कैसे भी आते हैं तो मंदिर के बाहर ही रोड है, सीधे आप मंदिर पे ही उतरेंगे, कहीं आपको पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गा कुंड के, दुर्गा जी का मंदिर भी इसके बगल ही है, दुर्गा कुंड के नाम से यहाँ पर आ सकते हैं। और